हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वी वटकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मी वी ऑन द वे में। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर कर क्या रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्रिएट कर रहा हूँ न्यू टाइमलाइन इंडियन सुपर हीरोज की। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी ये आपके लिए फ्री है। तो चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हमारे इंट्रो की तरफ। दोस्तों हमारी आज की कहानी को शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में क्या देखा था। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ, जहां पर हमने देखा वेग जोन के डॉन को जो खुद को पागल साबित करने में लगा था और उसने पूरा का पूरा पागल खाना खरीद लिया था इसीलिए। और साथ ही साथ हमें ये भी रिवील हुआ अब उसके एरिया के लिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों भी एरिया के डॉन आपस में गैंग वॉर करके ये डिसाइड करने वाले थे कि उसके एरिया पे अब कौन राज करेगा। और इसकी हमें हल्की सी झलक मिली और हमें पता चला इसकी खबर पुलिस स्टेशन के पास भी जा चुकी है। और हमारी कहानी फिर गई पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें फिर पता चला हमारे हीरो के बारे में और उन दोनों की बेवकूफी के बारे में, जहां पर हमें पहले लगा कि वो दोनों वॉर करने के लिए नकली पिस्तौल लेकर आए हैं, लेकिन हमें बाद में रिवील हुआ कि ये सारी पावर असल में लोपर की वजह से हो रहा था। ये लोपर की सुपर पावर थी जहां पर उसने उसके पूरे लोगों को माइंड कंट्रोल करके उन्हीं लोगों से अब उन दोनों डॉन को पिटवाया था और उनके साथ एक सेटलमेंट डील की, जिस डील में उसने कहा कि तुम अपना बुरे काम छोड़ दो और पुलिस के साथ सेटलमेंट कर लो। उसने सेटलमेंट की अमाउंट रिसीव की, पुलिस के हाथ में अमाउंट दिए और वो वहां से निकल लिया। पार्ट 3 में जब हम गए तो हमें पता चला हमारे हीरो की बैक स्टोरी के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसके अकेलेपन के बारे में, उसके पिता के बारे में, कि उसी की तरह कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज के बने हुए थे। और फिर हमें दिखा उसका भाई और इसी पार्ट में हमें रिवील हुआ हमारा विलन जिसका नाम है माइंड करप्ट। और फिर हम बढ़े पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 की तरफ आने के बाद हम आए करंट टाइमलाइन पर, जहां पर हमने देखा हमारा हीरो और हीरो का भाई साथ में बैठकर चाय के मजे ले रहे थे, तभी एफएम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और एफएम पे ऐसे हमारे विलन की साउंड आ गई जिसने कि उन दोनों को खुला चैलेंज किया कि तुम दोनों भी मुझे नहीं टूट सकते। और ये सब कैसे हुआ इसी बात का पता लगाने के लिए जब हमारा हीरो वेस्ट जोन के डॉन के पास गया और तभी उसे कुछ बातें रिवील हुई और साथ ही साथ में हमें पता चला कि ईस्ट जोन के डॉन के पास जो पर्सन था वो असल में पर्सन था ही नहीं, वहाँ पे कोई था ही नहीं। और वहाँ पे हमें पता चला हमारे विलन के पावर के बारे में। अब आते हैं हम करंट टाइमलाइन पे हमारे पार्ट 5 पे। तो हमारी पार्ट 5 की कहानी शुरू होती है पुलिस चौकी से, जहां पर हमें वही पुलिस वाला दिखता है जो पार्ट 1 में दिखा था, जिसके साथ मिलकर लोपर ने सेटलमेंट की बात करी थी। लोफर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अकेले में। और हम देखते हैं हमारा पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो जंगल में ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। वहां पे लोफर उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम कहाँ मिले थे माइंड करप्टर से और तुमने हमारे बारे में उसे और क्या क्या बताया। और अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोफर उसके माइंड से सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार लोफर के पास ये सब पता कैसे चला और लोफर उसके पास ही क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4 में जब हमारा हीरो वेस्ट जोन के पास गया था तो उसने उसे बताया था कि तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन उसे वही दे सकता है जो तुम्हारे बारे में जानता हो, तुम्हारे बारे में जानने वाले बहुत कम लोग हैं तो उसमें से एक मैं हूं और दूसरा कोई और है तो ढूंढ लो। और उसे पता चलता है कि पुलिस वाले के अलावा और कोई नहीं जानता उन दोनों के बारे में, इसलिए वो सीधा आता है पुलिस वाले के पास। और वहां आने के बाद उसे पता चलता है लोपर और लोपर के भाई के बारे में उसी ने बताया था। और साथ ही साथ में पुलिस वाले ने ही उनके एड्रेस और ठिकानों का पूरी इंफॉर्मेशन उसको दी थी, लेकिन लोपर को एक बात पता चलती है कि
हमारा जो माइंड करप्ट और विलन है वो असल में ईस्ट जोन वाले के पास है, जहां पर जाके इस पुलिस वाले ने सब कुछ बका है। तो लोफर जाता है अपने भाई को लेकर ईस्ट जोन की तरफ। बढ़ते हुए लोफर अपने भाई को कुछ यादें बताता है जो उसने पुलिस वाले के जहन में देखी थी, और वो यादें थी उसके पिता की। जब उसके पिता यंग थे और उनके पास उनकी पावर आई थी, और वो अपनी पावर को सीख रहे थे अपने गुरु से कंट्रोल करना, तभी एक बच्चा वहां पर आया था जिसके पास अजीब और गरीब पावर थी, जो लोगों के माइंड में जाकर एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकता था, और उस पर्सनैलिटी को फिर वो अपने कंट्रोल के हिसाब से चला सकता था। अगर कोई उस पर्सनैलिटी के साथ एग्जिस्ट हो जाता है तो माइंड करप्टर उसी पर्सनैलिटी को जिंदा रखता है और उसके एक्चुअल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेड कर देता है, और ये पावर थी माइंड करप्टर की। और इसी से बचाने के लिए लोगों को अब उसके पिता और उसके गुरु माइंड करप्टर की पूरी मेमोरीज को इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो उसे डाल दिया जाता है पागल खाने में। दोस्तों इसीलिए माइंड करप्टर पागल खाने में जाने से डरता है, इसीलिए वेट जोन का डॉन खुद को पागल खाने में भर्ती करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसे ये सब करने के लिए लोफर ने कहा है, क्योंकि लोफर जानता है कि माइंड करप्टर पागल खाने से डरता है, ये उसकी एक मेन कमजोरी है। तो आपको पता चला कि ईस्ट जोन वाले ने क्यों कहा कि नॉर्थ और साउथ वाले ने पुलिस के साथ सेटलमेंट कर ली है, क्योंकि उसे ये बात खुद पुलिस ने जाकर बताई थी। और साथ ही साथ में लोफर को ये भी पता चला कि उसके पिता की मौत का वजह क्या थी, कि उनके पिता की मौत हुई थी। असल में ये कहानी शुरू हुई थी बैक टाइम से, जहां पर हमने लोफर की बचपन की कहानी देखी थी। लोफर में बचपन में हमने देखा था कि विजय को माइंड करप्टर ने अपने माइंड कंट्रोल पावर से करप्ट कर दिया था, और वो लोफर का भाई अपने जहन से लोगों के सपनों में जाकर उनको इमेजिनेशन, उनके डर को जिंदा कर रहा था। इसी बात का पता लगते ही लोफर के पिता ने यानी पवन ने उसे बचाया था और उस बच्चे को गोद लिया था। और फिर हमारी कहानी बढ़ती है आगे माइंड करप्टर की तरफ, जहां पर माइंड करप्टर को ये बात सता रही थी कि किसी और ने उसके शिकार को उससे चुरा लिया है, और इसी का रिवेंज लेने के लिए उसने लोफर के पिता को मरवा दिया था। तो ये कहानी पूरी तरह से रिवेंज पे बेस कर गई, और फिर हमारे कहानी का नाम ही है गैंगस्टर एंड सेटलमेंट। एक ऐसी गैंग बनाने के पीछे पड़ा है जिस गैंग के पास खास पावर्स और एबिलिटीज हो, और अगर विजय उनके साथ होता तो शायद से लोफर की तरह ही उसके पास भी एक पावरफुल माइंड कंट्रोल होता और वो एक विलन होता। कहानी का फ्लो आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं ईस्ट जोन वाले के पास, जहां पर अब ईस्ट जोन वाला है जो माइंड करप्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो बार बार माइंड करप्टर से कह रहा है कि मेरे जहन से बाहर निकलो, लेकिन माइंड करप्टर बोलता है कि अब मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं एक बार अगर किसी के जहन में अपना घर बना लेता हूँ तो मैं उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता, और बस कुछ कुछ ही दिनों के बाद तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में रहोगे। यही बात सुनकर ईस्ट जोन वाला अपनी गन निकालता है और अपने आप पर ही शूट कर देता है, और वो शूट करने से पहले बताता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने मर्जी का राजा हूँ। और फिर हमें रिवील होता है ईस्ट जोन वाले का भाई जो है वो खुद माइंड करप्टर था, और वो कहता है कि मैं हूँ माइंड करप्टर। और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ से जय और विजय यानी कि लोफर और उसका भाई दोनों भी आ रहे हैं ईस्ट जोन की तरफ, और दोनों भी आते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, सभी को हिप्नोटाइज करते हुए सभी के एक नींद गहरी नींद में सुला देते हैं, और वो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंदर आने के बाद उन्हें देखता है एक हैंडीकैप पर्सन जो कि खुद को माइंड करप्टर कह रहा था। अब लोपर को पता है कि माइंड करप्टर को रोका कैसे जाए, उसकी पूरी याददाश्त मिटा दी, क्योंकि वो जैसे ही उसकी याददाश्त मिट जाएगी जिन लोगों पे भी उसने अपना कंट्रोल बनाया वो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए लोफर का भाई उसे कोमा में ले जाता है और लोफर उसकी पूरी याददाश्त मिटाने की कोशिश में लग जाता है। जब लोफर और उसका भाई उसकी मेमोरीज को इरेज करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी एक पर्सन की मेमोरी नहीं है, तो ये असल में दो पर्सनैलिटी की मेमोरीज है। जहां पर लोफर और उसके भाई को पता चलता है कि जो हैंडीकैप पर्सन है
उसने माइंड करप्टर के साथ एक डील करी थी, जहां पर माइंड करप्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे एक अच्छी लाइफ देगा, और उसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। उसने उसकी पर्सनैलिटी को एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही लॉक कर दिया, जहां पर उसे लग रहा था कि वो अच्छे से ठीक हो चुका है, वो अपने परिवार के साथ खुश है, और माइंड करप्टर उसके ही जहन से सभी पे कंट्रोल कर रहा था। असल में माइंड करप्टर वहां पे था ही नहीं। और यहीं पे हमारा आज का पार्ट खत्म होता है दोस्तों। हमारी आगे की कहानी कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन वो अब हमारे टाइम लाइन के साथ में एक अलग से पैच पैच में, जहां पर कहीं ना कहीं आपको लोफर का जिक्र मिलेगा, लोफर के भाई का और हमारे विलन माइंड करप्टर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।